पागल हो गए हो तुम लोग। मैं इतनी गई गुजरी हूं कि जवान लड़की के बाप से तो मुझे ब्याह दोगे? आतका, अभी इस उम्र में तो ऐसा ही रिश्ता मिलेगा ना आपको। ऐसा या वैसा, मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैं खुश हूं अपने घर में। खुशी तो नहीं है आप, और ना ही किसी और को खुश रहने दे रही। मतलब क्या है तुम्हारा? हुँ? बोलो बोलो ना, साफ साफ बोलो। नवीद, मैं बात कर रहा हूं। देखो आपका, औरत का अपना घर उसके शौहर का घर होता है, तो कब तक भाइयों के आश्रय पर रहोगी? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अब तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की खुशियां मिलें, तुम अपने घर की हो जाओ। एक बूढ़े, एक रंडवे के साथ? इस्माइल भाई इतने बूढ़े नहीं है। पप्पी अम्मा ने बताया था कि उनकी कम उम्र में शादी हो गई थी, इसलिए उनकी जवान बच्ची है। अच्छा, तो ये रिश्ता पप्पी अम्मा और तुम्हारी बीवी की बरहुने मिन्नत है। मैं भी कहूँ, मेरे भाइयों को अचानक मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? टपारा ने ये रास्ता सोचा है मुझसे जान छुड़ाने का। वाह, वो हमेशा हमारा, हमारे घर का भला सोचती है, तुम ही उनके बारे में गलत सोचती हो। आतका, अभी आप शादी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? सारी जिंदगी हमारे बच्चे पालेंगे? नहीं, मैं इबादत करूंगी, अपने अल्लाह को याद करूंगी, अपने रब की रजा में मैं राजी हूं, खुश हूं। मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। अच्छा, यहां नहीं करनी तो जहां करनी है वो बता दो हमें, हम वहां करा देंगे। रईस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझसे इस तरह बात करने की? मुझे यहां ना वहां कहीं पर भी शादी नहीं करनी। मैं जिस हाल में भी हूं खुश हूं। वो बिन मां की बेटी, ये आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत पूछ गछ है अल्लाह की इस मामले में। अतका, हम पुपी जान को हां कर चुके हैं, प्लीज राजी हो जाओ, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते। इससे ज्यादा जबरदस्ती क्या होगी? मैं एक दफा इनकार कर चुकी हूँ, तुम लोग इसरार किए जा रहे हो। हम जबान दे चुके हैं। किससे पूछकर जबान दी तुमने? हाँ, मुझसे पूछा था, बोलो, मुझसे पूछा था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बारे में अगर कोई फैसला करना हो तो मुझसे पूछना। पूछा तुमने? और वो शर्मारा को जाके बता दो कि अभी वो इस मकाम पे नहीं पहुंची कि मेरी जिंदगी के फैसले कर सके, समझे तुम? बस, अब एक लफ्ज नहीं बोलोगी तुम भाभी के बारे में। बर्दाश्त करते करते थक चुके हम। अरे वो पराई लड़की है, उसकी क्यों शामत आई हुई है? अतिका, पहले अब्बा की कम कमाई का बहाना, फिर अम्मा की डेथ, फिर भाइयों की जिम्मेदारी का बहाना, अब क्या बहाना है शादी ना करने का? तुम कहती भाभी को, लेकिन ऐश की आदत तुम्हें लग गई है। भाभी ने तो हर हाल में हमारा साथ दिया है। आतिका, अपनी बारी आई जिंदगी से जंग लड़ने की, तो बहाने करके जान मत छुड़ाओ तुम। हमें जमाने को मुंह दिखाना होता है आतिका, हम तुम्हारा बोझ मजीद नहीं उठा सकते। चलो हम उठा भी लेंगे, लेकिन हमारी बीवियों के लिए आजमाइश है बड़ी। तुम्हें बोझ हो तुम लोगों के लिए? हाँ, तुम्हारी बातें और तुम्हारी मिजाज को बर्दाश्त करते करते हम थक चुके हैं, बस अब और नहीं। तो पहले बता देते ना कि मैं तुम लोगों पर बोझ हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने घर में अपने भाइयों पर बोझ हूं। ठीक है, आज से तुम लोग आजाद हो। मैं यही समझूंगी कि मेरी किस्मत में यही लिखा था। मेरी तरफ से हाँ है, हाँ। कसम से, आप इस्माइल भाई के साथ? से मेरी खुशी या गमी तुम लोगों का मसला नहीं। जाओ, जाकर आराम करो। तुम लोगों के सरों का बोझ हल्का हो गया है। We'll be right back.
हूँ।